100 करोड़ी फिल्म देने के बाद खुली कार्तिक आर्यन की किस्मत, बड़े स्टार्स के लिए बने खतरा। कार्तिक आर्यन की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी साल की बड़ी हिट साबित हुई है। इस फिल्म में दर्शकों को कार्तिक की अदाकारी बहुत पसंद आई। इंडस्ट्री में कार्तिक एक नए स्टार बनकर उभरे हैं। कार्तिक की फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। अब कार्तिक के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कार्तिक को बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और दिनेश विजन की फिल्में ऑफर हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में कार्तिक को दिनेश विजन और संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर कई बार देखा जा चुका है। उन्होंने दोनों फिल्मकारों के साथ कुछ मीटिंग्स की हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें दोनों के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से फिल्म ऑफर हुई है। हालांकि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। कार्तिक आर्यन बड़े बड़े स्टार के लिए खतरा बन गए हैं। कार्तिक आर्यन की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है। वो अचानक बॉलीवुड के ए लिस्ट सुपरस्टार्स में शामिल हो गए हैं। सोनी की ट्वीटी से पहले कार्तिक ने साल 2011 में प्यार का पंचनामा फिल्म में काम किया था। इसके बाद साल 2015 में इसका दूसरा पार्ट भी सुपरहिट रहा था। कार्तिक ने सोनू के टीटू की स्वीटी की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा, यह मेरी पहली 100 करोड़ी फिल्म है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तब से मैं ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने का ख्वाब देखता था, जो कि अब जाकर पूरा हुआ है।